अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ जुनैद अशरफ और आज मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ बकरियों के छोटे बच्चे फॉर सेल। ठीक है, काफ़ी दोस्त कहते हैं कि छोटे बच्चे सेल नहीं करने चाहिए, लेकिन ये सेल के लिए ही हैं। ठीक है, तो मेरा कोई अपना प्लान नहीं है, ये इनके जिस बंदे के हैं ना उनका मैं आपका मोबाइल नंबर एड्रेस हर चीज़ ले कर दूँगा वीडियो में इंशाल्लाह। तो किड्स यार ये बेसिकली खुद ख़रीदते नहीं है, ये इनकी अपनी घर की बकरियों के हैं। तो मेरी उनसे बात हुई थी, वो कह रहे थे कि यार सेल हम कर भी देते नहीं भी करते, अब इसलिए कर रहे हैं अभी ना इस सीज़न में हमारे पास, वो कह रहे थे बच्चे माशाल्लाह बकरियां कम है, बच्चे ज़्यादा हो गए दूध वाले, तो इनका दूध पूरा नहीं हो रहा, एक रीज़न तो ये थी सेल करने की। तो बाकी इंशाल्लाह पूरी वीडियो में आपको ना डिटेल दिखाऊँगा, बच्चे भी दिखाऊँगा, हर चीज़ दिखाऊँगा। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। मेरे साथ ना बेसिकली मैं आपको स्टार्ट में बता दूँ, ये बकरियों के बच्चे हैं चौधरी अशरफ गुज्जर साहब की। ठीक है, जिनकी 1, 2, 3, 4 शायद वीडियोस मेरे चैनल पर पहले भी आ चुकी हैं। तो सर ये उनका बेटा है, ये आपको जानवर दिखाएगा आज, और कौन से फॉर सेल हैं और कौन से नहीं हैं, क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या कीमत है, हर चीज़ इंशाल्लाह आपको ना इस वीडियो में बताऊँगा आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहा करें। तो चले सर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चले मैं भाई से, छोटे भाई से बात करता हूँ। उनके अब्बू एट दी टाइम मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा था कि आप ना बच्चे फॉर सेल है इनकी एक वीडियो बना के आप अपलोड कीजिएगा, काफ़ी दोस्त ना उन्हें रब्ता करते हैं। बच्चे दिखाऊँगा आपको किस क्वालिटी के हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी वाले भी हैं, मिक्स वाले भी हैं, हर क्वालिटी में है, मैं आपको आज दिखाता हूँ। तो छोटे भाई से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, की हाल है छोटे भाई? ठीक है सर। अच्छा सर, ताड़े अबू किथे गए ने? अबू बकरियां ने। अच्छा अबू ताड़े बकरियां ने गए ने। हां जी। अच्छा जी, उन्होंने सानू कर लिया सी के ताड़े को बच्चे है गया सेल वाले, तुसी सानू दिखा भी रहे जे, ते ए छोटे भाई ए ताड़े को बकरियां दे इस टाइम किन्ने बच्चे मौजूद ने? ए 12 है जी। 12 बच्चे ने? हां जी। ठीक है जी, ते इनां च पठां भी है गियां, लेले भी है गए ने? हां जी। मिक्स ने? मिक्स। ठीक है जी। अच्छा जी, तुसी बच्चे सानू जेड़े तुसी सेल करने आ, पहला तो सानू तुसी ओ दिखा दो केड़ा केड़ा बच्चा सेल करना है थे बकरियां दा। बकरे सारे सेल करने हैं, कुछ पठ भी है? बकरे कर। ठीक है, बकरे दिखाओ जी। एक आज है। अच्छा इन खड़ा होता चेक तो सही है जरा। ठीक है जी, एक क्या बकरा जी? ठीक है, तो व्यूअर्स ये मैं ये नहीं कहूंगा कि हाई क्वालिटी है, ठीक है क्वालिटी हाई मैं नहीं कह रहा, बाकी आप समझ गए होंगे और इसके कान वगैरह हर चीज में आपको छोटो सर। अच्छा छोटे भाई, इन्हों पानी लगा हुआ था जिसमें सारे बच्चों के पिछे करे चाके दिखाओ तो सही ना चंगे तरीके उपर करो थे करो। ठीक हो गया सर माशाल्लाह, फुली एक्टिव है जी, किसी किस्म की इसको कोई इशू नहीं है, हेल्थ का इशू। ठीक हो गया सर, इन परली साइड ते रख दो जी, गुड हो गया जी। ठीक है जी, एक क्या बच्चा है जी? ठीक है माशाल्लाह, एक महीने की उम्र। अच्छा दूसरा बच्चा चेक कराओ वीरे, ओ परली साइड ते रखो, परली साइड ते, यह दूसरा बच्चा है जी। ठीक हो गया सर, गुड हो गया, गुड हो गया जी। तो वीर दो बकरा है जी? हाँ जी, एक बकरा। ठीक है, यह भी सेल ली है। इनकी उम्र कितनी होनी भाई? यह है तकरीबन 15 to 20 अच्छा छोटे भाई, तुसी सेल क्यों कर रहे हो? बकरियां दूध वगैरह कट कर गई हैं, की हिसाब था आवा? बकरियां ज्यादा हो गई हैं, बच्चे बकरियां काटने बच्चे ज्यादा हो गए। अच्छा मीन के तड़ी बकरियां काटने दूध वाली बच्चे ज्यादा ने, इना दी दूध नहीं पूरा हो रहा तड़े को? तो घर दी कोई मजबूरी होंदी है। ठीक है जी, ठीक है सर माशाल्लाह जी। ए जोड़ा ही है जी? दो आ भरा ने। अच्छा दो भरा ने जी, ठीक है। इनन थो ठीक है, उंगल करे जा के दूध पींदे पर ले? ठीक हो गया सर। अच्छा छोटे भाई, ए जड़े बच्चे दिखा रहे तुसी, इना दी उम्र किन्नी किन्नी है? दो जड़े भरा दिखा रहे तुसी, जोड़ा ही है ना दोवां दा? हां जी। इना दी की उम्र है जी? ये है गए ने 5-7 दिन माशाल्लाह जी।
अच्छा जी इन्हों के कद वे अगे आप लाल बकरा चेक कराया दोस्तों इन भी कद माशाला अच्छा है लेकिन इन्हों के जो हड्ड पैर है जी दो बकरे दिखाए सू इन काफ़ी ना खुले डुले ने बकरी का फर्क है की हिसाब किताब नहीं मेरा नागरे का की थोड़ा मीन के गोल मटोल ज्यादा कद उन्होंने ज्यादा लंबे है वह बकरा लाल कलर आले दी इन होर इन्हें उम्र भी छे सात दिन गुड हो गया सर इन्हें ना एक दफा उत्ते चको मैं कान वगैरह चेक करा बिच सही नजर नहीं आ रहा इधर मेरा एक एक चेक करा लो ना यार ठीक है एक है जी तो यह दूसरा बच्चा ये गरंटीड सात तो अठ दिन की निशानी इन्हों की लत्त है ठीक है ना यह जो फुल स्ट्रेट नहीं हो नज़र आ रही होनी है ठीक है सर छड़ दो मगर ना दसा वगैरह भी लगा तो जिस जो इस चीज़ की निशानी है ठीक हो गया सर अच्छा सर टोटल चार बकरे दिखाते हैं सेल वाले ठीक हो गया सर हूँ बकरे तुम दिखाते ने हर चीज़ अपनी होगी अपना एड्रैस दसो तो एड्रैस की है जिन्हें तुसी सानू बच्चे दिखाए उन्होंने मैं तुम जिस हिसाब दसा एक आ बच्चा जो हाथ लाया जो लाल कलर आले परले परले अच्छा मीन के प्योर बीतल च लग रहा है बीतल है लेकिन मिक्स बकरा पाया एदा ही है जी ठीक है काला बकरा भी माशाल्लाह अच्छा नजर आ रहा है यह कद वगैरह का अच्छा बीतल क्वालिटी आ सकता है ठीक है जी ठीक हो गया सर तो दूसरा बच्चा भी तुहाडा शेरा भी थोड़ा थोड़ा मिक्स लग रहा है नहीं तो बीतल मिक्स है प्योर चीज़ नहीं ठीक हो गया सर अच्छा बई अपने नाबू का नंबर बोल दौ 0307 75 77 37 972 ठीक हो गया जी टोटल कस्टम 12 बच्चे ने चार तुसी सेल करने हैं बाकी तुसी आप रखने हैं जी गुड हो गया सर अच्छा प्यारे भाई जो बाकी तुहाडे को बच्चे है सानू जरा उन्हां दी क्वालिटी चेक कराओ जिहड़ा इस टाइम तुहाडे बच्चे जिन्ने भी नजर आ रहे ने जिहड़ा बच्चा तुसी शौक ना रखा होया इत्थे कोई हैगा ते चेक कराओ जरा शौक ना जी आ रखे ने इहनू चक्को ना उत्ते चक्या करो तुहाडी मेहरबानी पिछली साइड ते लैके जाओ ठीक हो गया सर अच्छा जी ए ब्रीडर है तुहाडा इहदी उम्र सर किन्नी क होनी है ये हैगा ते 20 हो जाना नहीं 20 तो 1 महीने दे दरमियान होना है मेरे ख्याल च 20-25 दिन आ दुध पिलाई दे अच्छा अच्छा मीन के तुसी कह रहे 20-25 दिन दा ते इच इहनू ज्यादा दुध पिलाउंदे दूसरे नाल की अच्छी नी खुराक वगैरह कीती होई माशाल्लाह जी ठीक है सर ए तुहाडा ब्रीडर है जी छड्डो नी जरा इहनू तैयार कर रहे तुसी माशाल्लाह जी बीतल फॉर्म चाह जी प्योर चीज़ है इस चीज़ की मैं मिनट अगर मैं बच्चे देखे ने ना उन्होंने मैं कहता हूँ मिक्स ने लेकिन यह प्योर चीज़ है गुड है बई तो हूँ तुम होर की जानवर चेक कराओ और शेरे कलर वाली पट्ठ भी सर चेक कराओ है जी ये पट्ठ है जी हाँ जी मैं तो पता पट्ठ है ठीक है सर ये ठीक है जी शेरी है रख दे थे गुड हो गया सर तो ये सारी माशाल्लाह पाठी है जी सोनी है जी इनकी उम्र कितनी होनी है जी ये 25 25 तो मीन के एक महीने के दरमियान है सारे बच्चे गुड हो गया अच्छा छोटे भाई ठीक है माशाल्लाह इधर भी बच्चे खड़े ने ऐ तुसी ये दो बच्चे फॉर सेल हैं ठीक है मैं आपको दिखा रहा हूँ तो उम्मीद है आपको पसंद आएंगे ये बच्चे तो ठीक है और एक ये इनका बच्चा बड़ा अच्छा छोटे भाई ठीक है तुम अपने आपू का नंबर बोलो बोल दिता नंबर बोलता है दोबारा बोल दो 0307 77 77 37 37 972 972 गुड हो गया सर ते व्हाट्सएप वगैरह तुम्हारा इस नंबर पे है क्या नहीं ठीक हो गया जी तो फिर चले मैंने आपको जानवर चेक करा दिए अशरफ गुज्जर जिनकी एक से दो वीडियो पहले आ चुकी है उनका माल है ये और ये बच्चों की क्वालिटी थी 12 से 13 बच्चे हैं इन्होंने सेल करने कितने जी चार भी मैंने आपको दिखा दिए क्वालिटी जैसी थी बिल्कुल ट्रू बताइए कोई गलत चीज़ नहीं बताई ठीक है ना जो बीतल नहीं था इनके बीतल था लेकिन मिक्स था उसका मैंने आपको ये बताया कि ये मिक्स है जो सही क्वालिटी में थे उनका मैंने आपको ये बताया कि ये अच्छी क्वालिटी में ये बच्चे मैंने आपको कहा था अच्छी क्वालिटी में इसलिए कहा था इनकी हाइट वगैरह काफ़ी अच्छी है ठीक है ना
अभी 7 दिन इनकी उम्र है, जिसका अंदाज़ा आपको इसके जो बच्चे हैं ना उसकी टांगों पे एक इनके लगा हुआ मादा फुजला, तो उसको देखकर आप काफ़ी हद तक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी उम्र 7 या 8 दिन या इसके अंडर है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ये ग्रंटीड है। सेल करने की रीज़न भी आपको पहले बता दी है भाई ने, कहा आपको घर की मजबूरी होती, ठीक है ना। तो चले वीडियो एंड करते हैं, अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा हमारा चैनल। इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ के लिए इनके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमें अपने कमेंट्स में बताना ज़रूर है क्या इस किस्म की वीडियोस बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो चलो वीडियो एंड करते हैं।